फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत फूल के कटिंग लगाएंगे। सर्दी में उसमें फूल आते हैं फ्रेंड्स, पर सर्दी में फूल आएगा उसके लिए हमें कटिंग अभी ही लगाना पड़ेगा। तो मैं 2 महीने पहले भी कटिंग लगाई थी, उसी कटिंग में से आज मैं कटिंग लेके लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं गुलदाउदी के फूल फ्रेंड्स। सर्दी में बहुत सारे कलर के उसमें फूल खिलते रहते हैं। तो मैं जब गाँव गई थी मई जून के टाइम में, तो मैं वहाँ से कटिंग लेके आई थी फ्रेंड्स। तो देखिए, इतने बड़े बड़े मेरे पौधे हो गए, कुछ कटिंग तो ख़राब हो गए, कुछ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो मैं आज इसी में से कटिंग लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स पौधे को घना करना है तो हमें इसको पिंच करना ही पड़ेगा, तभी इसमें बहुत अच्छे से फूल आएगा। मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरे ज़रूर देखना, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज कहीं भी देख रहे हो तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत सारे हिबिस्कस लगे हुए हैं, और हिबिस्कस में भी बहुत सारे कलर के फूल आते हैं, और इस समय कली भी बनना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो बहुत जल्द इस समय भी फूल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मौज पे मेरा 20K पूरा हो गया, और वहाँ पे मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब यूट्यूब चैनल को भी बहुत जल्द मोनेटाइज करवा दोगे। फ्रेंड्स मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, अभी तक मेरा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मौज पे मैं 3-4 महीने पहले से ही वीडियो डालना स्टार्ट की हूँ, पर मेरा वहाँ पे 21K हो गया और चैनल भी मोनेटाइज हो गया वहाँ पे। तो देखिए आज पोर्चुड़का में बहुत ही खूबसूरत फूल सब खिले हुए हैं। गुलदाउदी में जो भी फूल खिले हुए थे वो सुबह ही तोड़ लिए गए, और अभी सुबह के 9:30 बज रहे होंगे फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़ा दूसरे काम में फ्रेंड्स बिजी रहती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा अपलोड करने में आगे पीछे हो जाते हैं। और पिछले सप्ताह तो थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा था। तो देखिए मैं इसको कट करने के लिए साफ किसी कटर का लेना है, मैं ब्लेड ली हूँ, आप साफ कटर से कट करें किसी भी पौधे का कटिंग लगाते हो। तो यहाँ से देखिए मैं इसका 4-5 इंच तक का कटिंग ले लूँगी। तो देखिए मैं 4 कटिंग ली हूँ, 4 पौधे में से, और एक इसमें से भी ली हूँ। अब मैं कटिंग नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, आप सबको दिखाना था कि अभी इस टाइम हम इसका कटिंग लगा सकते हैं। ये लंबा हो गया था, हमें इसको पिंच भी करना था, तो मैं कटिंग करके ही लगा ली। इसका दूसरा पौधा भी तैयार हो गया, क्योंकि हमारा गार्डन तो छोटा सा ही है, एक ही तरह के हम बहुत सारे पौधा नहीं रख सकते फ्रेंड्स। तो अब मैं इसका कटिंग नहीं लगाऊँगी, अब ऊपर से ही पिंच कर दूँगी, जिससे कि पौधा घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे ऊपर के 2 पत्ते हमें कट कर देना है, जिससे कि पौधा घना हो नीचे से, और बहुत सारे ब्रांच जिससे कि आए। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं फ्रेंड्स, और सर्दी की शुरुआत में ही इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिवाली के टाइम में इसमें कई बार फूल आना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगते रहते हैं। और ये पौधा परमानेंट ही होता है फ्रेंड्स, गर्मी में बच जाते हैं। यहाँ से 2 साल पहले मैं गाँव कटिंग लगा के ले गई थी, इस बार मैं गांव से यहाँ लेके आई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा गार्डन छत पे है, और मई जून के गर्मी में यहाँ पे पौधे सब ख़राब हो जाते हैं, जो भी सर्दी के पौधे रहते हैं, डेंथस सब भी फ्रेंड्स जुलाई में आके सारे ख़त्म हो गए, गाजानिया डेंथस। तो अब यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, तो मैं वहाँ से कटिंग लेके आई हूँ। वहाँ तो ज़मीन में लगा हुआ है, और गाँव में तो पॉट में भी बहुत अच्छे से पौधे सब रह जाते हैं। तो इसको मैं अभी मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी, आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। कटिंग लगाने से पहले नीचे के जो भी 3-4 नोट है उसे हमें खाली करना है, वहाँ से पत्ते तोड़ के हटा देना है, जिससे कि हम कटिंग लगाए तो बहुत अच्छे से लग जाए। और नीचे पत्ते रहेगा तो फंगस लगेगा फ्रेंड्स, पत्ते गलेगा तो फिर हमारा कटिंग ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैं मिट्टी सब में पानी डाल के छोड़ दी थी, तो नॉर्मल मिट्टी ही ली हूँ, अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ली हूँ। मैं कटिंग या बीज डालते समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ फ्रेंड्स। तो
ऐसे ही देखिए मिट्टी अभी बहुत ही अच्छी से गीले हो गया है। इसमें मैं हल्दी लगा के ऐसे ही नॉर्मली हम इसको इसमें दबा देंगे। तो आप इस यहाँ पे रोटिंग हार्मोन भी लगा सकते हो, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। तो मैं हल्दी का ही प्रयोग करती हूँ। हल्दी में दालचीनी लौंग सब मिला हुआ है, मिला के पीस के रखती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए कटिंग लगाने में मैं ज़्यादातर हल्दी ही यूज करती हूँ। तो चार कटिंग है, चार पॉट में मैं लगा रही हूँ और इसको आज मैं छाए में ही रहने दूंगी जब तक फ्रेंड्स इसमें ग्रोथ दिखाई ना दे। इसको आप शेड में ही रखें। हमारे यहाँ तो आज बारिश का मौसम लग रहा है, तो हो सकता है कि बारिश भी आ जाए। तो फिलहाल यहीं पे रहने दूंगी क्योंकि यहाँ पे धूप कम लगेगा अगर धूप निकल आया तो। तो देखिए तो हम जब भी कटिंग लगाते हैं तो ऐसे इस जड़ को हमें दबा देना है मिट्टी से, नहीं तो यहाँ पे हवा जाएगा तो फिर कटिंग लग नहीं पाएगा फ्रेंड्स। तो इसका कटिंग 4 से 5 इंच तक का हम लगा सकते हैं। बहुत सारे कटिंग फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं एक पौधे से और बहुत ही खूबसूरत फूल आते रहते हैं सर्दी में। इसमें तो इस बार हमारे पास जो पौधा था उसमें फ्रेंड्स 2 बार फूल आया था, पर गर्मी में मई जून में वो पौधा ख़राब हो गया। बहुत ही खूबसूरत उसमें फूल आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए हॉली हॉक का 3 पौधा हुआ था, बीज से बीज डाली थी सर्दी के फ्लावर्स सब का। तो और पौधे तो नहीं हो गए, हॉली हॉक के 3 पौधे तैयार हुए। तो इसको भी अलग अलग पॉट दे दी हूँ और भी बहुत सारे पौधे को अभी रिपोर्ट की हूँ फ्रेंड्स। और इस सब में देखिए जहाँ से हम कट किए हैं वहाँ पर हल्दी लगा देंगे जिससे कि कोई भी फंगस का अटैक हमारे पौधे में नहीं होगा। और अभी मैं पौधे सबको पानी नहीं दी हूँ क्योंकि आज बारिश का मौसम लग रहा है। तो अभी जिस समय मिट्टी सूखा हुआ है उसी में थोड़े से पानी दे दूँगी जिससे कि बारिश का पानी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए उम्मीद है कि जो कटिंग अभी लगाई हूँ वो सारे लग जाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पौधे गुलदाबदी के हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसके कटिंग लगा सकते हो, तो अभी भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो इसका आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक लगाओगे तो देखो जितने पहले लगाओगे उतने जल्दी इसमें फूल आएगा। और कुछ गेंदे के पौधे को भी अभी रिपोर्ट की हूँ और देखिए ये सब यहाँ पर रखा हुआ है, इसको बड़े से पॉट देना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो चावल की बोरी आते हैं तो उससे मैं ग्रो बैग बनाऊँ, तो अभी बना नहीं पा रही हूँ इसीलिए इस सबको रिपोर्ट नहीं की हूँ। और यहाँ पे देखिए पोर्चुल का बहुत सारे खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर देख रहे हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना। और देखिए इस समय आज बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, अभी इसमें भर भर के फूल आ रहे हैं। और बीच बीच में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ तो देखिए उससे फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स। मैं 2-3 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र पर वीडियो अपलोड की हूँ, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।